भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा न्याय जिसमें उन्हें अपने ही माता पिता को 14 वर्ष तक उस काल कोठरी में रखना पड़ा था। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण 14 साल तक अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से आजाद क्यों नहीं करवा सके, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल जब मामा कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कंस के उस कारागृह में पहुंचे, जहां देवकी और वासुदेव लाचार और दयनीय अवस्था में कैद अपने पुत्र कृष्ण का इंतजार करते थे। वहां से श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को आजाद करवाया। माता देवकी ने अति बिलाप करते हुए श्री कृष्ण से पूछा, बेटे तुम तो भगवान हो, फिर तुमने कंस को मारने में और हमें यहां से ले जाने में 14 वर्षों की प्रतीक्षा क्यों की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करे मातेश्री, क्या आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजा था। माता देव की आश्चर्यचकित हो गई, कहा कि बेटा यह कैसे संभव है। श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होगा, लेकिन आप पहले क्या कही थी और राजा दशरथ आपके पति। माता देव की ने और आश्चर्य में पूछा कि अगर ये सच है तो महारानी कौशल्या कौन है और कहाँ है। श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है, 14 वर्षों तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा वो उन्हें इस जन्म में मिला। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, इसे नारायण की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर।